स्टेट हेड्स हैं उन सबको वेलकम करते हैं। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मेरी उम्र 80 साल है, मैंने अभी तक ऐसी सजावट नहीं देखी जामा मस्जिद की। नकर तकदीर से शिकवा इतना, नकर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा, नकर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। कभी मरते नहीं देखी है जवानी दिल्ली वालों की, यही तो जिंदा दिली है निशानी दिल्ली वालों की, निभाते हैं ये जारी जान की बाजी लगाकर भी, वफा मशहूर है भाई अनवार पुरानी दिल्ली वालों की। आपके सामने जो इमारत दिख रही है ये दिल्ली की ऐतिहासिक बहुत पुरानी जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आज़ादी के वक्त मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि ये मुल्क तुम्हारा है और इस मुल्क के बुनियादी पत्थर तुम हो। और आज देखेंगे तो यहाँ G20 का जश्न मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए ये G20 का बैनर लगा दिया गया है और महिलाएँ बच्चे बहुत सारे लोग इधर पूरे जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों किस तरीके से सजाया गया। दिल्ली अलग रंग में है इस वक्त, इस बात को मैं बड़े होशोहवास और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की साफ सफाई सुंदरता वो बिल्कुल अलग है, जो जहाँ जहाँ स्पॉट जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने हैं, जो प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जो गांधी जी का राजघाट है और जामा मस्जिद में भी एक अलग रौनक है। यहाँ पर जो है G20 के बोर्ड लगाए गए हैं और आप लोग सब लोग यहाँ फोटो वोटो खिंचा रहे हो, कहाँ से हो? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से क्या नाम? नूर इस्लाम। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर काम करता हूँ, काम कर देखने आया हूँ। बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक है। जी रौनक तो है ही, पुरानी दिल्ली, दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक है और चांदनी चौक की जो रौनक है वो जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद की जो रौनक है वो मटिया महल जो मार्केट है वो है। तो इस पूरी मार्केट को, जामा मस्जिद को, इसके हुस्न को दोबाला दोगुना किया गया है और इसमें बहुत बड़ा रोल जो मार्केट एसोसिएशन के जो सदर हैं हाजी सलीम साहब उनका रोल है। आप देख सकते हैं उनके हर जगह फोटोज वगैरह भी लगे हैं। इमाम साहब ने जो है उसमें सरपरस्ती की, शाही इमाम साहब ने भी, और आप देखेंगे ये सारा का सारा जो इंतजाम है वो बहुत क्लासिक है, ये छाता गया है, बहुत बहुत इसमें दिमाग बहुत क्रिएटिविटी के साथ इसको सजाया गया है ताकि जो G20 की स्प्रिट है, जो G20 का जो पूरा का पूरा नज़ारा हम पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो है जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली का जो है रिप्रेजेंटेशन और जामा मस्जिद का पूरा सहयोग और पूरा का पूरा जोश और मोहब्बत जो पूरी दुनिया को दिखाई जानी है वो दिखाई जा सके उसके लिए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रात के समय इतनी भीड़ रहती है हमेशा? भीड़ तो उससे ज़्यादा रहती है, ये तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं सब जगहों पे। G20 के जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारे दूसरे मुल्कों से हमारे देश का गौरव और देश की शान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों के स्वागत के लिए सरकार ने जो जितने भी इंतजाम किए हैं उसमें से कुछ ये भी कि एज ए प्रिकॉशन जगह जगह पाबंदियाँ हैं लोगों के आने जाने में थोड़ी, तो इतना तो सबको थोड़ा बहुत कोऑपरेट हमको करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें नॉर्मल डेज में यहाँ पर इससे ज़्यादा भीड़ होती है, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आने जाने की पाबंदियाँ ना हो, तो आप इस टाइम आएंगे 10 बजे 11 बजे पूरी की पूरी मार्केट जो है ना एकदम अलाइव होती है, एकदम ये इसमें एक पूरी की पूरी रौनक होती है, पूरी की पूरी एक तरह से रोशन होती है और लोग पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपको लगभग लगभग हर समय यहाँ मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरा चहल पहल माहौल है और आप लोग यहाँ पे अंदर भी पूरा सजा रखा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप अंदर तक तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है वो बिल्कुल इसी तरीके से सजाया हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं यहाँ मीडिया जी जी मेरा यहाँ पर आउटलेट है, कबाब का आउटलेट है। तो यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है सारे मजाहिब के लोग, ऑल काइंड ऑफ पीपल कम्स हियर विद देयर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एंड एंजॉय द फूड एवरी सिंगल टाइम। G20 के लिए ये सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए किया है और मार्केट एसोसिएशन ने अपने फंड से किया है, किसी से कोई कोलैबोरेशन किसी तरह का कोई चंदा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से जी सब अपनी तरफ से किया है। मैं थोड़ा अंदर भी देख लेता हूँ मार्केट अंदर का कैसा है। डेकोरेशन 15 अगस्त से ज़्यादा हुई है और पहले बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ लग ही नहीं रहा था G20 का कुछ, मगर अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ G20 के लोग यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ मार्केट बहुत अच्छी लग रही है पहले से। हाँ जी, अब से ये लाइटिंग ये कल से हुई है, कल रात से सब प्रोग्राम हुआ है पूरे जामा मस्जिद के इलाके को सजाया गया। हाँ जी, यहाँ से लेके जो हमारी मार्केट एसोसिएशन के चितली कबर तक चौक तक ये मार्केट सजी हुई है, पूरी सजी है। जामा मस्जिद सस्ती है, यहाँ ये मार्केट जरूर सस्ती है। इसने सजवाया ये मार्केट के जो एसोसिएशन के जो अभी इलेक्शन जीते हैं भाई सलीम, ये इन्होंने करवाया है सब। हाँ जी, मार्केट का एसोसिएशन बन गया। क्या माहौल है G20 के लिए? G20 के लिए बहुत खुश है लोग, बहुत अच्छा माहौल है। आप देखो यहाँ बहुत से फॉरनर्स आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग बाहर से खाना खाने, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ सब लोग आते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। यहाँ दिल्ली में ऐसी मार्केट कम है। क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है। क्या करते हो आसिम? मेरी शॉप है इसी मार्केट में फैब्रिक की। हाँ जी, कपड़े की शॉप है मेरी। कपड़ा बेचते हैं लोगों, कुर्ते पजामे का कपड़ा, पैंट शर्ट कोट पैंट का कपड़ा बेचते हैं। हाँ जी, तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है इतनी भीड़ क्यों? ये हमारे मार्केट एसोसिएशन के हेड है और कुछ सेक्रेटरी है मार्केट के, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं कुछ उनको। क्या नाम है दोस्त? अफरोज, मोहम्मद अफरोज। क्या करते हो? मैं भाई काम करता हूँ भाई यहीं पे।
होटल में काम करता हूँ। सजावट जुड़ा हो रखा है ये भाई इस मार्केट के, वो जो है ना सदर साहब वो सजाए हैं। अच्छा। जी भाई किस वजह से सजवाए? G20 की वजह से। अच्छा। जी क्या है G20? G20 है एक जो 20 जो देश है उसके सरकार, यहाँ पे सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो सब आएंगे। अच्छा। जी उसकी वजह से सजावट किया है। अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। मैं दिल्ली में पहली बार ऐसी देख रहा हूँ, मैं कम से कम मुझे 2-3 साल हो गया मगर पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। हमने कभी इतनी दिल्ली अच्छी देखी नहीं है, मतलब अगर पेरिस वेल है, अगर प्रगति मैदान देख लो, मजा आ गया। सबसे अच्छा यहीं पे सजा गया है पूरे दिल्ली कहीं भी। और काम किया सरकार? बहुत जबरदस्त प्रगति भाई, मैं रोड देखता हूँ, दिल्ली के रोड नहीं देखे मैंने ऐसे कभी। उधर प्रगति मैदान जहाँ वो लोग जिनका रूट है राजघाट या प्रगति मैदान, जबरदस्त मतलब पेरिस वेल है। यहाँ पे किसने करवाया ये सारी सजावट? ये जो एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ की अपनी, जामा मस्जिद एसोसिएशन है, तो उन्हीं ने मतलब जो उन्हीं के फंड से हुआ है। क्या करती है एसोसिएशन, कैसे क्या है थोड़ा बताइए। एसोसिएशन ने जो इस बार करा तो ब्यूटीफिकेशन का काम करा, यहाँ की जो मार्केट है ना उसको ब्यूटीफाई करा। जैसे G20 आ रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, डेलीगेट्स आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी हिसाब से जैसे जामा मस्जिद एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, तो उसी को सजाया है यहाँ पर, उसी की खूबसूरती को मतलब और वो ब्यूटीफाई करा है, चार चांद लगा दिया, बिल्कुल ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है ये। आप जो ये जामा मस्जिद, मैं आपको दर्शकों बता दूं जो दिल्ली से वाकिफ नहीं है, ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, थोड़ा भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा होता है, लेकिन ये पुराना मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत पुरानी बाजार है, खाने पीने का सामान, और सामने ही जामा मस्जिद है, तो इसको जामा मस्जिद की मार्केट कहते हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहतराम है, मोहम्मद एहतराम। क्या करते हैं एहतराम? मैं लॉयर हूँ। जी तो इस तरह का माहौल है जो यहाँ पे, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं? ऐसा माहौल हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा G20 ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी पे ठीक है होती है मार्केट, या रमजानों में सस्ती है, और अभी G20 का ऐसा माहौल नहीं देखा हमने कभी। भाई साहब सब मीडिया वाले साइड में आ जाओ, सारे लोग। अच्छा बड़ी रौनक है, बड़ा झंडा उंडा लगा रखा है, लाइटिंग वाइटिंग, क्या मामला है ये? तो आपके अपने दिल से पूछिए क्या मामला है, G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है हमारे लिए, राष्ट्रीय पर्व है, और इसको हम अपने नेशनल त्यौहार से ज़्यादा, हॉलीडे से ज़्यादा मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है, ये कहते हैं, क्योंकि ये एक मेहमान नवाजी का पर्व है जिसको हम बहुत खुशी से मनाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पे पब्लिक कितनी खुश है, और किस तरह जामा मस्जिद पे G20 का इस्तकबाल करने के लिए आ रही है, और अपने स्टेटस पे, मोबाइल्स पे यहाँ के फोटोज लगा रहे हैं, कहते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। क्या करते हैं भाई साहब? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, बाजार मटेरियल शॉपकीपर एसोसिएशन का। इस पूरी मार्केट का प्रेसिडेंट? जी जी। ये इंतजाम कब हुआ है ये सारा? ये जैसे ही हमारा, क्या कहते हैं, मैं होटल एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, दिल्ली होटल महासंघ से भी जुड़ा हूँ, मैं उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले एक साल से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, तो हम भी जाते थे, और हमारी भी एक सोच होती थी कि हम भी अपने इलाके को सजाना है, क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं सजाएगी तो हम सजाएंगे। और ये सारा कुछ जो भी हुआ है एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, किसी कोई डिपार्टमेंट से, किसी की गवर्नमेंट से इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया, ना किसी ने हमारी मदद करी, और ये सब हमने अपने देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के नाम के लिए करा है। वो G20 के जो जामा मस्जिद के गेट पे बोर्ड लगे हैं वो सब बिल्कुल A to Z, एक एक कील तक यहाँ पे सिर्फ एसोसिएशन के और मेंबर्स की तरफ से हुआ है, किसी और ने कुछ नहीं करा यहाँ पे, ये कहते हैं। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं यही से हूँ, मटिया में से। अच्छा, ऐसा पहले कभी देखे थे? रमजानों में होता है माशाल्लाह हमारा, ये रमजानों में ईद तुम्हारे पर इंशाल्लाह हर साल ईद वाली रौनक है। जी जी, ईद से भी अच्छी रौनक है ये। क्या करते हैं? बूम बिल्डिंग का काम। अच्छा आप भाई साहब? जी जनाब, मैं यहाँ, मेरा नाम आदम रहमान कुरैशी है, मैं इस मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ मेरा एक छोटा सा ढाबा है। जी ये सारी तैयारी वारी सब लोग, आप लोग कब से लगे थे इसकी तैयारी के लिए? हम पिछले 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, अपने कॉन्सेप्ट दे रहे थे, आइडियाज दे रहे थे, उसके बाद काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इसे मुकम्मल किया जाए, जिसकी वजह से हमने आज इसे कर दिखाया। कहाँ तक ये सजावट है? ये हमारी मार्केट स्टार्ट होती है गेट नंबर 1 से लेकर, और ये एंड होती है बाजार चित्ती खबर, जो कि अराउंड 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया है। पूरे के हमने लाइटिंग्स, फोकस लाइट्स, और सारे अपना जो बेस्ट हो सकता था वो किया, और जितनी हमारी हैसियत थी अपने हैसियत के हिसाब से बड़े से बढ़िया करने की कारगुजारी कर दिखाई। आप सर? मैं असलम पहलवान कंकी राम अखाड़े से हूँ, ये सलीम भाई मेरे भाई हैं, इन्होंने, इनकी बड़ी मेहनत है सजाने के अंदर, और आदम भाई की, इनका होटल है, और आप, मैं चाहूंगा ये दिखाएंगे, देखिए कैसे इन्होंने अब इस्तकबाल कराया, इधर देखिए रहमतुल्लाह होटल पे G20 का इस्तकबाल कराया, शायद ही कोई दिल्ली में ऐसी मार्केट होगी जिसने ऐसा इस्तकबाल कराया, कहते हैं। सारा देखिए हमारा होटल, ये सबसे डिफरेंट काम है, और बात यह है कि G20 जो हमारे मुल्क को इसकी मेज़बानी मिली है वो एक बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है, और हर हिंदुस्तानी को उस पर फख्र होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी पे उसको फख्र होना चाहिए जो हमें एजाज़ मिला है ये। और हम जितने भी घर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन सबको वेलकम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं तो जब यहाँ पहले भी आया हूँ इस इलाके में, इधर
तो इस तरह चहल पहल भीड़ तो रहती ही है, लेकिन जिस तरह की सजावट है, इस तरह की सजावट तीज त्योहारों पे ही मिलती है, जैसे ईद हो गया या इस तरह की, तो ये अभी थोड़ा अलग है। लंदन टॉप जी, लंदन टॉप के स्वागत है त्रिवेदी जी आपका। त्रिवेदी जी नहीं आए, त्रिवेदी जी के हम जो है, हाँ दरअसल हमारे लिए G20 भी हमारे त्योहार से कम नहीं है, इससे हमारे देश की आन बान शान बढ़ रही है, इस वास्ते वो है। और हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो दो त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हम इसको भी आप कह सकते हैं हमने इस बार तीन त्यौहार मनाया, जिसमें G20 भी। जो है ये गंगा अतिथि देव, वो मेहमान अतिथि देव, मेहमानों के लिए कराई सब हमने। अपना जो ये एरिया है, इलाका, ये गंगा जमनी तहजीब का बहुत उम्दा मिसाल है। यहाँ पे सारे मजहब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं और यहाँ पर यहाँ के खानों का लुत्फ लेते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ भाईचारा, और उसके लिए हम लोग जो है काम करते हैं। आप लोग अभी क्या राउंड में निकले हुए? हाँ, अभी हमने ये किया है, तो आज पहला दिन है, तो हम लोग अपना पूरी मार्केट के लोगों को इस तरह से जा रहे हैं ताकि लोगों को हमारी आमद का एहसास हो। और ये सारा लोगों का क्या रिएक्शन है, जो आम लोग हैं? आम लोग बहुत खुश हैं, उनका कहना ये है कि हमने इस तरह की ब्यूटिफिकेशन और इस तरह का काम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अच्छा। मेरे से बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में तो उन्होंने कहते हमने ऐसा देखा ही नहीं। जी, और जी हाँ देखिए, क्या नाम? मेरा नाम फखरुद्दीन है, मैं मार्केट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं सबसे पहले की दुकानें भी है या फिर बिल्कुल जिसकी जो दुकान होगी, एसोसिएशन का मतलब क्या है, जिसकी दुकान होगी वही यहाँ का मेंबर होगा, ना कि अदर पीपल। जी, क्या कह रहे? कहने का मकसद तो ये है, जैसे हमारे आदम भाई, हमारे नायब सदर और हमारे प्रेसिडेंट साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये एक फेस्टिवल की तरह हम G20 मना रहे हैं। पहले देखते थे 15 अगस्त का, हम अभी इलेक्ट होके हैं, जीते अभी इलेक्शन रिसेंटली, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी एसोसिएशन, हमने 15 अगस्त का भी त्यौहार बहुत अच्छा मनाया, और आज G20 हमारे चल रहा है, बहुत बड़ा एजाज है हमारे मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, कि हम उसके मेजबान हैं। और हम हर खास करके कहा जाता है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है और करता रहेगा हमेशा। और आज ये हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, हम ये चाहेंगे, हमने देखा कि इस जामा मस्जिद के ऊपर किसी का कोई रुख नहीं है, हमारी एसोसिएशन पूरी टीम ने मिलकर इस जामा मस्जिद को एक नंबर गेट से लेके, जो लाइफ में आज तक कभी नहीं हुआ, जो आज हुआ है पहली मरतबा, गेट नंबर एक से लेके आप चलेंगे छिटली कबर चौक तक, यानी कि आधा किलोमीटर का वो रास्ता है, इसको आप तय करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से सजावट है, जैसे एक शादी ब्याह में सजावट होती है ना, उससे भी अच्छी सजावट आज हमारी पूरी टीम, मार्केट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट, नायब प्रेसिडेंट, जितनी पूरी टीम ने मिलकर ये सारा काम किया है। मैं इनको सलूट करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये एक हमारा फेस्टिवल है, हम दिखाना चाहते हैं हम किसी चीज से कम नहीं है पुरानी दिल्ली वाले। अगर हम आपको जितना नजरअंदाज करोगे, इतना ही हम आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि ये किस तरीके से हमारा पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। देखिए G20 सेलिब्रेट करने आई है, इस बच्ची को दिखा दिए, G20 सेलिब्रेट करने आई है। ये तो आप लोग जो है, आप ही क्या इसे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो आप बताइए, ये लोग क्यों बड़ा अच्छा करती हैं, आप बताइए क्या हुआ है? भाई बहुत बढ़िया हुआ है काम यहाँ पर, आज ही सलीमुद्दीन साहब ने ऐसा काम कराया, इलाका पूरा खुश है उनके काम से माशाल्लाह। अच्छा। बहुत बढ़िया इंसान है ये, और आगे भी इससे अच्छे अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह। ऐसे क्यों करवाए हैं ये, आपको पता है? हाँ, G20 के लिए कराया है। अच्छा। और बाहर मुल्कों से जो हमारे वजीर आजम आ रहे हैं हर मुल्क के माशाल्लाह, और उसके आने के इस्तकबाल कराए हमारे दिल्ली 6 वालों ने, और ऐसा जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा इलाका सजाया, और सारे मीडिया वाले यहाँ पर पूरा इलाका भर रखा है मीडिया वालों ने, ये देखें आप देख ही रहे हैं कि रौनक माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ पर तरक्की, हम तो सब मिलके दुआ मांग रहे हैं सब मिलके। जामा मस्जिद की पुरानी बाजार है, यहाँ पे खाने पीने का सामान, इत्र, कपड़े के, और जो है बेकरी का सामान, ये सब कुछ मिलता है इधर। क्या क्या फेमस है यहाँ का, क्या क्या इधर का, क्या क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध ये है यहाँ के चिकन मशहूर है, सारे होटल मशहूर हैं, और सारे कपड़ा मार्केट बहुत सस्ती मार्केट है यहाँ पर, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। खाने पीने जो जायगा यहाँ है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है, यहाँ से जायगा पूरे वर्ल्ड में फैला है, समझ रहे हैं? यहाँ पापे देखिए समझ रहे हैं, एक से एक और सस्ती चीजें मिलेंगी यहाँ पर, सस्ता मिलता है, हाँ सब चीज सस्ती मिलती है, अच्छा और सस्ता। ये हमारे जैन साहब है, अनिल जैन, हमारे जैन साहब है। अच्छा, गंगा जमुना तहजीब के बारे में कि ये हमारे जैन साहब की दुकान है, जितने भी मुस्लिम ज्यादातर यहाँ के, यानी कि रमजान के अंदर जो कपड़ा कुर्ते पजामे का होता है वो सब यहीं से ही लेते हैं जैन साहब के यहाँ से। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी भाई 35 साल पुरानी दुकान है। 35 साल पुरानी? अच्छा, ये कुर्ते का और जेंट्स कपड़ा होता है टोटल, ऐसे ही चहल पहल बनी रहती है हमेशा? बहुत बहुत चहल पहल रहती है, हमेशा रहती है। अच्छा, ठीक। अभी तो थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है, थोड़ा सा जब भी कोई फंक्शन वगैरह हो, जैसे कोई त्यौहार वगैरह आता है तो हमारे जो सदस्य वो हैं वो करवाते हैं, सदर साहब जो होते हैं वो हमेशा करवाते हैं। हाँ, बढ़िया। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिल्ली में आपने घूमा तो देखा बाकी जगहों पे? नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे थोड़ा जामा मस्जिद की वजह से जैसा हिस्टोरिकल पैलेस है तो यहाँ पे माहौल अलग ही है, यहाँ का माहौल मजेदार है। तो ये पूरा कितनी बड़ी मार्केट है? ये बताने वाले हैं, थोड़ा और रह गया डिस्टेंस से, 5 मिनट का और है अभी, है आपको खुद मजा आएगा, आप खुद कहोगे कि शायद और ये बड़ी मार्केट हो जाए, और इसको हम आगे बड़ी मार्केट ही करेंगे अभी। जी,
अभी जो दो हमारी दुकानें हैं ना वो 324 है और आने वाले टाइम में हम इसको 324 की जगह बल्कि 524 करेंगे इसको। कितनी दुकानें हैं आपकी जो सदर साहब? 324 दुकानें हैं बट क्या कहते हैं आने वाले दो महीने के अंदर एक्सटेंड होंगी, जो क्या कहते हैं मार्केट्स के अंदर और भी जुड़ना चाहते हैं हमारे काम से, हमारी काबिलियत से यहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं। और हमारी देखिए एक चलेगा ये 4-6 रंग है, 100 साल पुरानी दुकान है, कहते हैं हमारे 100 साल पुरानी दुकान है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ये कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे अवतार जी, ये कहते हैं बैठे, ये कहते हैं नोट वोट भी मिलते हैं यहाँ पे, माला वाला सब मिलते हैं यहाँ पर। ये पुरानी दिल्ली की एक होल मार्केट है, कहते नहीं हर चीज मिलेगी, सुई से लेके धागे से लेके कपड़े से लेके लहंगे से लेके क्रिकेट से लेके। क्या मिलता है अवतार जी? भाई जी हमारे यहाँ लिटरेचर यानी कि मैगजीन्स वगैरह मिलती हैं। क्या चीज़? मैगजीन। मैगजीन ये बड़ा तेल और ये सब रखे हुए हैं? जी जी जी, हमारे यहाँ पे अचार मुरब्बे तेल सब चीज अवेलेबल है। कितनी पुरानी दुकान है? ये 100 साल हो जाएंगे। 100 साल? जी। आप तीसरी चौथी पीढ़ी होंगे? तीसरी पीढ़ी है। कैसा है धंधा पानी, कैसा चल रहा है? बस ठीक है, अपने जिसको संतोष है उसके लिए सब चीज। बाजार में रौनक है? बिल्कुल है, सजावट भी बड़ी हो रही है, बेहतरीन हो रही है। जी ट्वेंटी के मद्देनजर सजावट करवाई गई है, अच्छी बात है। बाकी दिल्ली में आपने देखा है जो सजावट हो रही है? हमें टाइम ही नहीं मिलता, अब जा रहे हैं रात को, सवेरे यहाँ आ जाएंगे। वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप इनके बेटे? जी जी। बताओ क्या कह रहे हैं आप? पूछ रहे हैं ना कि सजावट वगैरह जो दिल्ली में हो रही है खूबसूरत लग रही है नहीं लग रही, तो हमने हमें टाइम नहीं मिल रहा बट हम वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि नहीं काफी मेहनत की गई है। ये जो है ये किसी नोटों की दुकान है, है? देखिए जरा, बहुत तो इसीलिए आए पुरानी दिल्ली से, बहाने देख भी लेंगे। ये आप जो है बड़ा नोट वोट सजाए, माला किसी का? भाई ये शादियों में चलता है माला है। और कितने में अकीके में उसमें चलते? कितने का मिलता है ये 1000 वाला 1200 रुपए का है, ये 10-20 रुपए का, 20 वाला 2400 रुपए का, 2000 रुपए इसमें 24 4 तो ज्यादा। इसमें गड्डी में आप ब्लैक से आती है ना, गड्डी उसमें तो महक आती है, कहाँ से लाते हैं? कोई इनसे आती है चांदी चौक से, कहाँ से आती है, ब्लैक से होती है आती। अच्छा, और क्या? ये माला सही 2400 का है या गड्डी? ये पूरा 2400 रुपए का माला। अब 10 वाला 1200 का? नहीं 10 वाला महंगा, 10 वाला 1500 का, 1000 वाला 1500 का, 1000 वाला 1500 का, 2000 वाला 2400 का। ये महंगी गड्डी है सस्ती गड्डी है ना, हिसाब है ना अलग अलग, इससे ज्यादा ब्लैक है, नया नोट आ नहीं रहा। ये 50 वाला? ये 5500 रुपए का, 5000 रुपए। पंकज है, अभी इनकी शादी हो गई है, अब इनको जो अपने भाई की शादी करनी, तो कुछ डिस्काउंट कर दे। अरे ले जाना, बेबी और हम दे देंगे, कैसे बराबर में दे देंगे, लेबर फ्री, लेबर की चार्जिंग नहीं लेंगे, 5000 बनाने वाले हमें, हम तो खुद बनाने वाले हैं, जो मर्चे बना वाले हम तो। और ये जो 100 वाली 50 लाख तक बना देंगे। अच्छा, अरे वाह, तो पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने क्या नाम है आपका? मेरा सजाउद्दीन नाम है। सजाउद्दीन, वाह भैया। और ये जो 100 वाली है वो कितने की है? ये 100 वाली 10000 की है, वो 11000 रुपए की है, उसमें डबल नोट है। डबल नोट? डबल नोट 200 नोट, 200 नोट, 200 नोट। हाँ, डबल नोट है, डबल पूरे 200 नोट है। ये सारी नक्काशी जो कारीगरी आप ही की है? वाह वाह, हम बनाते हैं, और क्या। 1987 से ही काम है मेरा, हार होगा नोट होगा, हार होगा, और बहुत पुराना काम है, 35-36 साल पुराना काम है। कटे फटे नोट बदल जाते हैं? हाँ, ये कटे पुराने नोट आ जाते हैं, ऐसी गड्डी वड्डी लिख रखी है, बेच रहे हैं 100 रुपए में, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे लगते हैं। जैसे आपके पास जो है आदमी भेजूंगा मैं, आप भिजवा दीजिएगा, हाँ जो आपका बनेगा वो ले लीजिएगा, और बताइए क्या है। आखिरी तक दिखाएंगे जो हमारा जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, जहाँ तक हमारी शॉप है। ये क्या है शॉप? ये तो शॉप चलिए कपड़ों की है, ये यहाँ पर रेडीमेड कपड़ों की शॉप है ये। यहाँ से अभी हम चल रहे हैं जामा मस्जिद से, अभी हम आ गए दुजाना हाउस चौक, अभी यहाँ से जो हमारा मीट खत्म होगा, जो हमारा मीट पॉइंट जो होगा वो चितली कबर। क्या बोलते हैं उसको? चितली कबर। चितली कबर बहुत मशहूर है, जो जितनी जामा मस्जिद जैसे 450 साल पुरानी जामा मस्जिद है, एक मजार है चितली कबर पे, वो 850 साल पुराना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊँ एक चीज और। भीड़ है, बड़ा मुश्किल से निकल के आना पड़ा। अरे आज आपने ये एक फेस्टिवल बना दिया है जो बड़ी मुश्किल से निकलेगा, हमने ट्रैफिक का भी इंतजाम करा फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनके वाली साहब यहाँ मौजूद है, ये देखिए वो आ गए हैं, मैं आपको मिला दूँ। ये देखिए KGF, दुकान का नाम KGF है, दुकान का नाम KGF है। यहाँ सोना होना मिल रहा है क्या? KGF हमारे क्या कहते हैं जो एक्टर है, कहते हैं साउथ के, उनके नाम पे रखा गया है, उनके फैन गोल्ड माइन, उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ ओल्ड दिल्ली में बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत है उनकी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उस्मान गनी। तुम भी फैन हो? हाँ। आपको लगा कि अंदर कोई गोल्ड माइन हो तो नहीं छिपा के रखे हैं? नो नो नो। क्या उम्र है आपकी चाचा? मेरे 72। तो बढ़िया सजवाए हैं आपने, सजवाया आप लोगों के लिए, सब हमारी खुशी हो रही है, सब दुनिया का आदमी आ रही है हमारे मुल्क को देखने के लिए, और क्या हमारे बच्चों को आपको देख रहा है। ये क्या है? कपड़ा बेच रहे हैं, शर्ट बनाओ उसकी, कपड़ा बेच रहे हैं, शर्ट बना लो।
शर्ट बनवाने का पड़ा लेडीज का, ये लेडीज सूट्स होते हैं, लेडीज सूट्स के लेडीज सूट जैसा बताया गया था ना, हजार रुपए तक का। हमारी मोटर मार्केट के सदर भी आ गए, आइए भाई बाबू, भाई बाबू सब सदर आ गए सारे ना, ये मोटर मार्केट के इस खुशी के अवसर के ऊपर, और हर आदमी यहाँ का सेलिब्रेट कर रहा है, बस और क्या। ऐसे मुड़ के देखिए, काम चल ही रहा है, ये कहते हैं आप इस बात से इंडिया की तरक्की के लिए सब दुआ कर रहा है कि हमारा मुल्क इसी तरह ऊंचाइयों को। हाँ बताइए चाचा। मेरी उम्र 80 साल है, मैंने अभी तक ऐसी सजावट नहीं देखी जामा जी की, किसी इनको मुबारकबाद दीजिए, और ऐसा चांस कर अहमद बुखारी तक नहीं सजाई कभी ऐसी। हाँ क्या करते हैं आप चाचा? मैं मोटर पार्ट का एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ, 30 साल से मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, यहाँ के ये सदर है। हाँ, हर आदमी कुछ ना कुछ पदाधिकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा मशहूर शेर है, वो आज के मौके पे नहीं बोला तो मुझे लग रहा है फिर नहीं बोला। बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, सुनिएगा सभी, बहुत मशहूर शेर है। कभी मरते नहीं देखी है जवानी दिल्ली वालों की, यही तो जिंदा दिली है निशानी दिल्ली वालों की, निभाते हैं ये यारी जान की बाजी लगाकर भी, वफा मशहूर है भाई अनवर पुरानी दिल्ली वालों की। कितने लोग वोट देते हैं जी, कितने लोग वोट करते हैं? सारे वोट इन्हीं को करते हैं। 300